हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम हिंदी ग्रामर मात्रा के साथ। इंग्लिश में कहते हैं वॉवल साइन। ओके, तो आज की वीडियो में हम मात्रा के बारे में जानेंगे, किस मात्रा को हमें किस तरीके से प्रोनाउंस करना होता है और किस स्वर के लिए कौन सी मात्रा होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके जो एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, हम उनको कम्प्लीट करेंगे, जिससे कि आपका ये जो चैप्टर है वो अच्छे से कम्प्लीट हो जाए। और ये है बुक, ओके, क्लास वन के लिए है। बट इंग्लिश ग्रामर ऐसा सब्जेक्ट होता है, हिंदी ग्रामर ऐसा सब्जेक्ट होता है, मतलब इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, पर जो ग्रामर व्याकरण होती है ना, वो ऐसा सब्जेक्ट होता है कि क्लास वन हो क्लास टू हो, जो बेसिक्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो बच्चों जो क्लास वन के हैं क्लास टू के हैं, दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए जो वीडियो है वो हेल्पफुल होगा, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मात्रा। स्वर और व्यंजन दो अलग अलग वर्ण होते हैं। ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। स्वर वर्ण में हम लोग अ से लेके अ तक जो होता है उसको पढ़ते हैं, और व्यंजन में क से लेके ज्ञा तक के जो अक्षर होते हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, स्वर का प्रयोग जब हम व्यंजन के साथ करते हैं, स्वर जो होते हैं ना, स्वर वर्ण, उनको हम मात्रा के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो स्वर वर्ण होते हैं वो मात्रा की तरह यूज़ होते हैं, और व्यंजन वर्ण के साथ हम मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा जो उच्चारण होता है वो कंप्लीट होता है, हम जो बोलना चाहते हैं। स्वर का प्रयोग जब हम व्यंजन के साथ करते हैं तो इसका रूप बदल जाता है, जिसे हम मात्रा कहते हैं। जब हम जनरली स्वर वर्ण ऐसे पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इन वर्णों को व्यंजन के साथ यूज़ करते हैं, व्यंजन वर्ण यानी क, ख, ग, घ, इनके साथ यूज़ करते हैं, तब हम उनको इस तरह साथ में नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, स्वर का जो रूप होता है वो चिन्ह के रूप में यूज़ होता है, स्वर को हम चिन्ह में चेंज कर देते हैं, और इस चिन्ह की तरह साइन के साथ हम उनको वर्ण, व्यंजन वर्ण जो होते हैं क, ख, ग, घ, उनके साथ यूज़ करते हैं। और ये जो साइन है यही मात्रा कहे जाते हैं। सबसे पहले छोटा आ, ये है मूल रूप जिसमें हम लोग उनको जो वर्ण होते हैं उनको लर्न करते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, और ये होते हैं जब हम उनको मात्राओं के साथ यूज़ करते हैं व्यंजन के साथ। ठीक है, सबसे पहले छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, और छोटा आ जो होता है वो व्यंजन में छिपा हुआ होता है। जब जो छोटा आ होता है वो किसी व्यंजन के साथ मिला होता है तभी वो जो व्यंजन है वो पूरा होता है। तो छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, पर हर व्यंजन में अगर वो पूरा है तो उसके साथ छोटा आ रहता है तभी वो पूरा होता है। ठीक, तो बड़े आ की मात्रा, ओके, आप देख रहे हो इसे कहते हैं बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा जो होती है वो हम अक्षर से पहले लगाते हैं, पहले मात्रा लगाते हैं फिर अक्षर लिखते हैं। ठीक, और बड़ी ई की मात्रा बाद में लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा बाद में लगाते हैं, पहले अक्षर लिखते हैं फिर मात्रा लगाते हैं। ठीक, छोटी ऊ की मात्रा ऐसे है, बड़े ऊ की मात्रा ये है। ठीक है, आपको इनकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये री की मात्रा होती है, ए की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ओ की मात्रा, और ये है ओ की मात्रा। ठीक है, आपको मात्राएं कंप्लीट होंगी तभी आप जो आपको शब्द दिए जाएंगे विद मात्रा आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ हम आपको बताते हैं कि कौन सी मात्रा को हमें किस तरह से रीड करना चाहिए। जैसे ज है और ल है, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ज ल, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, ज ल। लेकिन अगर हम ज में आ की मात्रा लगा देते हैं, ज में किसकी मात्रा लगाई, आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, ठीक है, ये होती है बड़े आ की मात्रा। तो ज में जब बड़े आ की मात्रा लग जाती है तो वो हम कैसे पढ़ेंगे, जाल। ठीक है, जा ल, ज में आ की मात्रा को हमें बोलना पड़ता है जाल, तब ये होता है आ की मात्रा। जब मात्रा नहीं थी तब हमने कैसे पढ़ा, ज ल, और जब हमने ज पे आ की मात्रा लगा दी तब देखिए ज पे आ की मात्रा लगी है तो हम जा को बड़ा करके बोलेंगे जा ल, ल पे तो मात्रा लगी नहीं है तो क्या हो जाएगा, जा ल। लेकिन अगर हम ला पे भी आ की मात्रा लगा दें तो हम ला को भी बोलेंगे ला, ऐसे करके जा ला, ऐसे करके बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ला पे कोई मात्रा नहीं है, जा पे आ की मात्रा है तो हम जा को जा, ज नहीं बोलेंगे जा बोलेंगे, जा ल। नेक्स्ट है ज, ज प, अब यहाँ पे जब
इस पे कोई भी मात्रा नहीं है, ये सिंपल शब्द हैं, अक्षर हैं, ज प, तो हम इसको बोलेंगे ज प क्योंकि मात्रा नहीं है। लेकिन अगर हम ज पे ई की मात्रा लगा देते हैं, ये कौन सी है, बड़ी ई की मात्रा है, ठीक। अगर हम ज पे ई की मात्रा लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जी प, बड़ी की मात्रा को हम ई की तरह बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ज पे बड़ी की मात्रा जी प, जी प। फ पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा फूल, ठीक है। जब मात्रा नहीं है तब क्या हो गया, फ ल फल। लेकिन जब पे अगर फ पे बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तब ये क्या बन गया, फूल। फ बड़े ऊ की मात्रा ल तो क्या हो जाएगा, फूल। ऐसे ही प र, अगर कोई मात्रा नहीं है तो हम इसको पढ़ेंगे प र पर। लेकिन अगर पा पे ए की मात्रा लगा देंगे तो हमें पा को ए की तरह बोलना होगा, पा पे ए की मात्रा पै, ठीक है। पा पे ए की मात्रा क्या हो जाएगा, पैर, पैर। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, पैर। अभी ये पर पर था, लेकिन जब हमने पा पे ए की मात्रा लगा दी तो हमने पा को क्या बोला, पै बोला, पैर, पैर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपको मात्राओं के साथ अक्षर को पढ़ना सिखाया गया। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को मम्मी ने ये सारा कुछ लर्न कराया था, हम लोगों को ये अच्छे से याद था। हम लोगों ने क का कि की कु कु के कई को कऊ कं क ऐसे करके पूरा कंप्लीट किया हुआ था। आप लोगों को भी लर्न करना चाहिए, इससे क्या होता है, जो हिंदी होती है, हिंदी की जो मात्राएं होती हैं उनको अच्छे से रीड करना आता है, और इसीलिए हम लोगों की जो हिंदी थी वो बहुत अच्छी है। आजकल होता क्या है कि इंग्लिश स्कूल होते हैं, उतना ज़्यादा हिंदी पे नहीं दिया जाता है। मेरे बच्चे जो हैं इतने बड़े हो गए, लेकिन हमने उनको इस तरीके से स्कूल में नहीं इस तरह से लर्न करने को दिया गया जैसे हम लोगों ने बचपन में लर्न किया था। उनको अलग अलग सेपरेट मात्राएँ ज़रूर पढ़ाई जाती हैं, पर इस तरह से लर्न हमने नहीं देखा, ठीक है। तो इसको अगर विद मात्रा पढ़ना है, क का, का पे अगर हम आ की मात्रा लगाते हैं तो हम उसको का नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे का। छोटी की मात्रा लगाएंगे तो के, बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो की, छोटे ऊ की मात्रा को, बड़े ऊ की मात्रा कू, का पे ए की मात्रा के, का पे ए की मात्रा कै, का पे ओ की मात्रा को, का पे ओ की मात्रा कौ, का पे अंक की मात्रा कंग, और ये चंद्रबिंदी होती है, ठीक है, इसको का ऐसे करके बोलते हैं, और ये है कह, अह की मात्रा कह, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, क का किक्की कुक्कू के कैं को काऊ कंग, और ये अलग से है बीच में, इसको का ऐसे बोलते हैं, और ये हो गया कह, ठीक है। इसी तरह से जो ये सभी है ना, अगर आप पढ़ोगे तो आपकी जो रीडिंग है वो अच्छी हो जाएगी, आप उसको किसी भी वर्ड को अच्छे से रीड कर सकते हो, क्योंकि आपको मात्राएं पता होती हैं कि कौन सी मात्रा लगाने पे हमें उसे कैसे बोलना है। अब ख के लिए है ख, खा पे आ की मात्रा खा, खा पे छोटी की मात्रा खी, बड़ी की मात्रा खी, छोटे ऊ की मात्रा खु, बड़े ऊ की मात्रा खू, खा पे ए की मात्रा खे, खा पे ए की मात्रा खै, खा पे ओ की मात्रा खो, खा पे ओ की मात्रा खो, खा पे अंक की मात्रा खंग, और खा पे चंद्रबिंदी खा, और ये हो जाएगा खह, खा पे अह की मात्रा खा। तो इसी तरह से आपको विद मात्रा ये सभी रीड करने चाहिए। अगर हम करेंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप घर पे माँ से पढ़ना और पर इन्हें कंप्लीट कर लोगे तो ये आपके लिए हिंदी रीडिंग में, हिंदी राइटिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप इसको जहाँ तक हो कंप्लीट करना और लिखने की प्रैक्टिस करना, लिखते लिखते ये चीज़ें अपने आप अच्छे से कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसे ही आप मात्रा लिखना, फिर साथ में उनको मात्राओं को ऐड करते हुए लिखना, तो इससे क्या होगा, आपके लिए ईजी होगा और साथ ही साथ आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और ये देखिए पूरे वर्ण के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। अंग, आ और अह का प्रयोग भी व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में किया जाता है, ठीक है। छोटी ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर पहले लगाई जाती है ना, छोटी ई की मात्रा क्या होती है, पहले लगती है, और उसके बाद हम अक्षर लिखते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, ओ, औ और अह की मात्राएं व्यंजन के दाईं ओर, मतलब पहले अक्षर लिखते हैं और बाद में मात्रा लगाई जाती है, ठीक है। ए, ऐ और अंग, अंग, अंग और आ की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, अंग की मात्रा और आ की मात्रा क्या होती है, व्यंजन के ऊपर लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो ए की मात्रा ऊपर लगी है, ए की मात्रा ऊपर लगी है,
ठीक है, अंग की मात्रा ऊपर लगी है और ये चंद्रबिंदी है वो भी ऊपर लगा है, ठीक है। तो ए आई और अंग और आ की मात्रा जो है व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। और छोटा उ, बड़ा उ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगाई जाती हैं। आपको इस चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, या फिर जो इस तरीके से चूज़ करने के लिए आंसर दिए जाते हैं ना, इनमें पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये लर्न होने चाहिए। एक बार और कर लेते हैं, अंग आ और अह का प्रयोग भी व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में किया जाता है। छोटी ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर पहले लगाई जाती है। बड़ा आ, छोटी ई, ओ, औ और अह, ठीक है। बड़ा आ, बड़ी ई, ओ, औ और अह की मात्रा व्यंजन के दाईं ओर बाद में लगाई जाती है। ए, आई और अंग की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। छोटा उ, बड़ा उ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में होता है। स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में होता है। मात्रा के प्रयोग से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जब हम मात्रा यूज़ करते हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, जब हमने बिना मात्रा के बोला तब ये क्या था, जल, जल, ठीक है, पानी। लेकिन जब हमने ज में आ की मात्रा लगा दी तो ये शब्द क्या बन गया, जाल, है ना, ये हो गया जाल। ऐसे ही जब हमने इसमें मात्रा नहीं जोड़ी थी तो ये क्या था, जप, जप, है ना, जो पूजा साधना करते हैं वो हो गया जप। और जब हमने ज पे ई की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन गया, जी प। ज पे बड़ी की मात्रा, जी प, तो ये जीप बन गई। तो जब हम मात्राएं यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, शब्द का जो अर्थ होता है वो भी बदल जाता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, इसको कंटिन्यू करना। और जो वीडियो है वो विदाउट स्किप देखना, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, सवाल होते हैं जो आपके बीच में कवर हो जाते हैं। हम आपसे बोलते हैं साथ ही साथ उन जो डाउट्स होते हैं उनको भी क्लियर करते हैं। किस वर्ण का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है, स्वर का, व्यंजन का, दोनों का? तो स्वर वर्ण का प्रयोग जो होता है वो मात्रा के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मात्रा के रूप में स्वर का प्रयोग कैसे होता है? तो मात्रा के रूप में स्वर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, चिन्ह के रूप में करते हैं, ठीक है। जब भी हम मात्राओं को, स्वर को यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी मात्राएं यूज़ करते हैं, ठीक है। किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? तो जो छोटा आ है उसकी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। चित्र देखिए और सही मात्रा लगाइए। अब यहाँ पे क्या है, आपको चित्र दिए हुए हैं और आपको मात्रा लगा के इनको सही शब्द बनाना है। अब ये क्या है, बाजा, तो बा हम आ करके बोलते हैं ना, तो इस पर आ की मात्रा लगेगी, बा जा। आ की मात्रा लगाई तो ये शब्द क्या बन गया, बा जा। और ये क्या है, हा थी, तो हा पे आएगी आ की मात्रा, हा थी, ई बोल रहे हैं तो हम इस पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे और ये शब्द बन जाएगा, हा थी। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, मोर, तो हमने क्या बोला, मोर, ओ की मात्रा बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे ओ की मात्रा, ये हो गया मोर। और ये क्या है, किताब, तो क की बोल रहे हैं तो क पे हम क्या लगाएंगे, छोटी की मात्रा, ठीक है। और के बाद हमने क्या बोला, ता, किताब, तो तापे हमने आ की मात्रा बोली है तो हम इस पर आ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बन गया किताब, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको मात्राओं को पहचान कर स्वर लिखिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मात्राएं दी हुई हैं, ठीक, और आपको ये बताना है कि ये मात्रा किस स्वर की है। तो ये क्या है, बड़े आ की मात्रा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ा आ लिखेंगे। ये छोटे ऊ की मात्रा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, छोटा ऊ लिखेंगे। ये री की मात्रा है। आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आपकी ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको मात्राएं हैं वो याद हो जाएं। ये किसकी मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ठीक है। ए, ये क्या है, ए की मात्रा है, ऐसे लिखेंगे। ओ, ये है ओ, ठीक है। औ, ये हो गया आओ, ठीक है। ये बड़े ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और ये बड़ी ई, ये हो गया बड़ी ई। और छोटी ई की मात्रा है तो इसको हम लिखेंगे छोटी ई, ठीक है।
इसी तरह से अगर आपको मात्राएं याद हैं तो आपको भी ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो आप मात्राएं याद करना, मात्राओं को कैसे हमें बोलना है इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है आपको चित्र देखिए, वर्णों में सही मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। अब यहाँ पे क्या है, आपको सही मात्रा लगानी है। अब यहाँ पे क्या है, सूरज है तो सा पे ऊ की मात्रा लग रही है, तो हम क्या लिखेंगे, सा पे ऊ की मात्रा लगाएंगे, सूरज। ठीक है, ये सेव तो सा पे ए की मात्रा बोल रहे हैं तो सेब। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मछली, ये मछली है तो हम ला पे ई की मात्रा बोल रहे हैं, मछली। म और छ पे हमने कोई मात्रा नहीं बोली तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और ला पे ई की मात्रा, मछली। ठीक है, और ये क्या है, लॉ की तो हम ला पे ओ ऐसे करके बोल रहे हैं ना, यहाँ पे भी मात्राएं लिखनी है, सॉरी। ठीक है, लॉ की, ये हो जाएगा लॉ की। अगर आप हिंदी के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप क्लास वन, क्लास टू, यूकेजी की जो प्लेलिस्ट होती है अपने क्लास के अकॉर्डिंग हिंदी के वीडियोस चेक करना, तो वहाँ पे मात्राएं और कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है विद मात्रा, उसकी प्रैक्टिस है, कुछ वर्कशीट्स हैं, कुछ प्रैक्टिस शीट हैं, जिससे कि बच्चों को हिंदी के रीडिंग में, राइटिंग में आपको हेल्प होगी। तो आप वहाँ जाके एक बार वीडियो ज़रूर चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।